अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता। तो जिसके लिए जो है मैंने लहसुन लिया है, इसको मैं चॉप कर दूँगी, दो प्याज, दो टमाटर, दो प्याज और एक हरी मिर्च और 1 कप चिकन। और जो मैंने लिया है पास्ता, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया है। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को काट लेंगे और चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है हमने। अब इसके अंदर हम ये चिकन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये चिकन हमारा भुन रहा है। साथ में अब हमने प्याज ऐड कर देना है और साथ चॉप किया हुआ लहसुन। अब हम इनको अच्छे से इसमें सॉटे कर देंगे। ये देखें जी, बस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सोटे हो जाए तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब हम इसमें जो है अपने मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा। जीरा और धनिया पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि ये जो है मैं बना रही हूँ थोड़ी सी देसी स्टाइल पास्ता है, तो इसलिए मैंने इसमें ये मसाले ऐड किए हैं। अब हम इसके अंदर जो है अपने सॉस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच जो है विनेगर और 1 चम्मच टमाटर केचप। 2 मिनट ये हो गया था, तो अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो चीज़ डाली है, चीज़ क्रीम है ये, वो मैंने डाली है ये वाली। ये इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। और अब इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे थोड़ी सी मेयोनीज, 1 चम्मच मेयोनीज ऐड कर देंगे। मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करके कर देंगे। और उसके बाद ये हमारी मज़ेदार सा हमारा पास्ता तैयार है। ये हम ऑरिगेनो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच और अब हम इसको हिला लेंगे। पास्ता हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। अल्लाह हाफिज़।